आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तैयारी लगभग सभी टीमों की तरफ से बेहतरीन तरीके से चालू है और हमें लगातार बड़ी से बड़ी अपडेट निकल आती हुई दिखाई दे रही है सभी टीमों की तरफ से। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब किंग्स की टीम के लिए कौन सी तीन बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हम बात करते हैं सबसे पहले जो कि पंजाब किंग्स की टीम करंट आ रही है पहली बड़ी अपडेट, वो खबर है दोस्तों क्रिस जॉर्डन की तरफ से। पंजाब किंग्स की टीम को एक से दो खिलाड़ी पंजाब किंग्स की टीम अपनी टीम में रिटेन कर सकती है जो कि विदेशी खिलाड़ी होगा, तो वहां पर इनका नाम भी देखा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं और पंजाब की टीम के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा करके दिखाया। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कि डेथ ओवर में और स्टार्टिंग के ओवर्स में दोनों जगह बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जो कि इन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट हासिल किए और 4.25 की इकोनॉमी थी इनकी, तो ये इकोनॉमी बहुत ही अच्छी थी और इसके बाद इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा खिलाड़ी पंजाब की टीम को चाहिए होगा अपनी बॉलिंग लाइनअप को सुधारने के लिए। और ये खिलाड़ी दोस्तों स्लो रन भी साथ साथ यॉर्कर्स भी बहुत ही अच्छे चला रहा है जिस वजह से इनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिल रहा है अपनी गेंदबाजी में। और ये खिलाड़ी इस समय पंजाब की टीम में और पंजाब की टीम को एक से दो खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी रिटेन करना है, लेकिन पंजाब की टीम एक ही विदेशी खिलाड़ी रिटेन करेगी क्योंकि इंडियन खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं पंजाब किंग्स की टीम के पास। इस वजह से किसी भी एक विदेशी खिलाड़ी को पंजाब की टीम को रिटेन करना है, उनमें नाम ये भी शामिल हो सकता है जो कि क्रिस जॉर्डन है, ये भी रिटेन हो सकते हैं। इसमें आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में देना, क्या क्रिस जॉर्डन को रिटेन करना चाहिए या फिर कोई और खिलाड़ी को। हम बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि पंजाब किंग्स की टीम के निकल कर आ रही है, वो है दोस्तों बॉलिंग कोच की तरफ से। जो कि सतीश मेनन जी ने कहा था कि बैटिंग कोच में बदलाव होगा, लेकिन दोस्तों बॉलिंग कोच में भी बदलाव किया जाएगा, ये भी अभी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उसी तरह बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं पंजाब किंग्स की टीम के लिए बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच बनते हुए। और जैसा कि इरफान पठान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको भी आईपीएल टीम की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होना है और इस वजह से पंजाब किंग्स की टीम इरफान पठान को भी एज अ बॉलिंग कोच देख सकती है क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी रहेगा दोस्तों बॉलिंग कोच में। और ये खिलाड़ी इंडियन है जो कि विदेशी खिलाड़ी इस समय पंजाब किंग्स की टीम में शामिल है, डेमियन राइट जो कि बॉलिंग कोच है। और भी कुछ खिलाड़ी हैं जो कि नाम निकल कर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम इरफान पठान का निकल कर आ रहा है पंजाब की टीम की बॉलिंग कोच के तौर पर चुने जाने में। तो ये खबर थी दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के लिए बॉलिंग कोच के तौर पर जो कि इरफान पठान को देखा जा रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि पंजाब किंग्स की टीम के लिए निकल कर आ रही है, वो है दोस्तों इंडियन खिलाड़ी को लेकर। पंजाब किंग्स की टीम में इस समय बहुत ही बेहतरीन इंडियन खिलाड़ी है जिनके ऊपर पंजाब की टीम पूरी तरह से भरोसा जता सकती है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, लेकिन बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं पंजाब की टीम के लिए। उनमें से तीन खिलाड़ी तो पक्का रिटेन हो जाएंगे, लेकिन कुछ और खिलाड़ी हैं जो कि अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और शाहरुख खान, ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं रिटेन नहीं किए जाएंगे लेकिन इन्हें मेगा ऑक्शन में जरूर खरीदा जाएगा पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से। और इन तीनों ही खिलाड़ी में से कोई दो खिलाड़ी पक्का पंजाब की टीम में आते हुए दिखाई देगा हमें, खास करके चांसेस है दोस्तों अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई ये पंजाब की टीम में शामिल होते दिखाई दे सकते हैं। शाहरुख खान को कहीं ना कहीं पंजाब की टीम खरीद ना पाए क्योंकि इनके ऊपर बड़ी बोली लगती हुई दिखाई दे सकती है हमें, क्योंकि ये नंबर 6 पर आके इतनी अच्छी पारी खेलते हैं और पावर हिटिंग इनके पास बहुत ही अच्छी है जो कि लगातार ये लंबे छक्के मार सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप अपनी राय जरूर कमेंट कर देना, कौन से इंडियन खिलाड़ी को पंजाब की टीम अपने टीम में शामिल करनी चाहिए मेगा ऑक्शन में, जो कि रिटेन करने के बाद कौन से इंडियन खिलाड़ी जो कि बचते हैं उनमें से। और ऐसी खबर जो कि पंजाब किंग्स की टीम कल निकल आती रहती है, उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।